आज हम बात करेंगे जी पारिजात के बारे में कि आप उसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, कौन सा महीना होता है जी फ्लावरिंग भी इसके ऊपर आप देखेंगे बे इंतहा होती है, उसका जो फूल होता है अपने आप में होता है जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं फुल्ली ग्रीन कलर इनका बना हुआ, लेकिन पत्तियाँ कुछ पीली हो रही हैं। तो क्या वजह है कि पत्तियाँ पीली हो रही हैं? ठीक है, हम इसका एक सेटअप कर रहे हैं जी तैयार। इसको इस छोटे पॉट में से हम इसको बड़े ग्रो बैग के अंदर लगाएंगे जी। 12x12 इंच का है जी हमारा ये ग्रो बैग। ठीक है, ये बेल की तरह चलता है तो सपोर्ट की भी ज़रूरत है जी स्टार्टिंग के अंदर इसको। तो हम 3 स्टिक इसके अंदर लगाएंगे। ठीक है, और आपके साथ वक्त रहते रहते इसको करेंगे जी शेयर। तो पहले तो उसको डालते हैं जी मिट्टी के अंदर। तो मिट्टी के अंदर आप देखेंगे इसकी जो मिट्टी चाहिए फुल्ली वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। ठीक है, मिट्टी हमेशा खुश्क रहनी चाहिए जी इसकी, कुछ कह रहा हूँ गीली रहनी चाहिए। गीली रहेगी तो उसकी पत्तियाँ ऐसी खिली रहेंगी। ठीक है, और नाइट्रोजन इसको चाहिए जी बहुत ज़्यादा मकदार के अंदर, क्योंकि पत्तियाँ बहुत आती हैं। ठीक है, और NPK आप इसके अंदर डालें जी, गाय की गोबर की खाद, वो बहुत बढ़िया है जी इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो हमने मिट्टी बना ली है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कोकोपीट भी मिला हुआ है जी, इसके अंदर रेत भी मिला हुआ है जी। गाय के गोबर हमने इसके अंदर मिलाया नहीं, वो हम उसको ऊपर से डालेंगे। ठीक है, रेत, कोकोपीट और नॉर्मल गार्डन सॉइल 60% है जी इसके अंदर गार्डन सॉइल, बाकी आप दे सकते हैं 20% रेत और 20% है जी इसके अंदर कोकोपीट। ठीक है, इसको इसके अंदर निकाल के इसके अंदर लगाते हैं जी पहले। ठीक है जी, हमने इसको इसके अंदर लगा दिया। हमने बीज से ग्रो किया था, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो बना रखी है कि आप इसको बीज से कैसे ग्रो कर सकते हैं। 3 स्टिक की हमने इसके ऊपर लगा दी, 1 स्टिक एरी 1 स्टिक एरी, क्योंकि ये फैलती है। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे से इसको सपोर्ट नहीं मिल रही। अब क्या है कि हम थोड़ी थोड़ी रस्सियाँ बांध देंगे और उससे आप देखेंगे ये आराम से इसके ऊपर क्लाइम्ब हो जाएगी और इसको घेर लेगी। ठीक है, अब मिट्टी डाल देते हैं जी बाकी जो बची है इसके अंदर। ठीक है, ये है जी गाय की गोबर की खाद। ठीक है, एक छोटा बाउल हमने इसको इसके अंदर ये डाल देंगे जी। ठीक है, और ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी हम डाल देंगे, हमने ऊपर से डाल दी है जी इसके ऊपर। अब हल्के हल्के क्या होगा, इसके न्यूट्रिएंट्स हल्के हल्के होंगे जी रिलीज़, और इसकी जड़ों को मिलते रहेंगे जी। ठीक है, थोड़ी सी ऊपर से हम इसके ऊपर डाल देंगे जी और मिट्टी देंगे जी पानी पहली बारी के अंदर। हम बढ़िया करके इसके अंदर थोरली इसके अंदर चला देंगे जी पानी, जिससे हमारी मिट्टी सेटल्ड हो जाए। ठीक है, और हमारी जो जड़ें भी हैं वो भी मिट्टी के कॉन्टैक्ट में आ जाए, एयर गैप भी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो ये हमने लगा दी है। ऐसे हम 3 अभी और गमले करेंगे तैयार। एक तो हमारा ये हो गया, अभी 2 और करेंगे जी। एक आप देख सकते हैं हमारा एक ये रखा हुआ है जी, और एक ये छोटा सा हमारा रखा हुआ है जी। ठीक है, ये हमने ख़रीदा था तो इसी के से बीज निकले थे, और इसी बीज से हमने ये 2 प्लांट कर लिए जी तैयार। एक आप देख सकते हैं फुल्ली डेवलप हो गया है, एक ये हो गया है। ठीक है, जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसी प्लांट के ऊपर, चंपा के प्लांट के ऊपर ये घूम जाएगी और इसको अपनी आगोश के अंदर ये ले लेगी, क्योंकि अब हमने इसको बड़े पॉट के अंदर लगा दिया है। इसके अंदर लगा देते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ग्रो बैक होगा स्टार्टिंग में उतनी ही तेज़ी से आपका प्लांट होता है जी ग्रो। ठीक है, तो इसी ग्रोथ स्टार्टेड है। ठीक है, तो हम इसको भी इसी पॉट के अंदर लगा के छोड़ देते हैं जी। तो तीनों को एक साथ हमने कर लिया है जी रेडी। ठीक है, तीसरा भी हमने इस बड़े ग्रो बैक के अंदर लगा दिया है, देख रहे हैं आप, 1 2 हमारा 3। तो तीनों हमारे ग्रो बैक के अंदर ये रेडी हो गए हैं। ठीक है, खाद डाल दी है अच्छी तरीके से हमने, इसकी डंडियाँ लगा दी हैं, सपोर्टर लगा दी हैं। तो नेक्स्ट अपडेट हम आपको देंगे जी थोड़े दिन के बाद, क्या इनकी ग्रोथ निकल कर सामने आई है। और ये आप देख सकते हैं तकरीबन 3 महीने के बाद बरसात स्टार्ट होती है। ये आप देख सकते हैं हमारे वो तीनों गमले, 1 2 3। ठीक है, और इनकी आप देखें जी ग्रोथ क्या ज़बरदस्त हो गई है जी। ग्रोथ पूरी हमारी सीढ़ी को कर लिया है जी इसने। ठीक है, बाकी इसके ऊपर हमने सारी शॉट्स बना के डाली हैं, आप हमारे चैनल पे वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। ये फाइनल हम आपको दिखा रहे हैं जी, इसका क्या ज़बरदस्त आया है जी लुक, कितना घना हो गया है जी ये बरसात के अंदर। ठीक है, छोटा सा बीज था, छोटे छोटे हमारे प्लांट थे जी 3, और कितना शानदार आया जी लुक। तो यानी कि मिट्टी इसको समझ में आ गई, पॉट इसको इसकी मर्ज़ी के हिसाब से मिल गया, ज़बरदस्त मूवमेंट, ज़बरदस्त ग्रोथ, और उस ज़बरदस्त ग्रोथ का ज़बरदस्त रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। फूल ही फूल इसके ऊपर छाए रहते हैं जी, रोज़ाना फूल खिलते हैं, छड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और आप बकायदा देख सकते हैं बीज भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं जी इसके। जब बीज बनेंगे तो आप देखेंगे इसकी रौनक हो जाएगी जी ख़त्म। ठीक है, तो हम बीज नहीं बनने देते, हम फूल निकाल देते हैं जी इसके।